आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू मेक फिक्सेली टोरन, फिक्सेली टोरन कैसे बनाते हैं और इसको मतलब कनेक्शन कैसे करते हैं, पावर कैसे देते हैं, और इस वीडियो में एक ऑफर भी है, वो ऑफर भी आप लोग लेके जाइए। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। फिक्सा एलईडी टोर बनाने के लिए सर्वप्रथम फिक्सा एलईडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारी है एक नंबर क्वालिटी है और आपको प्योर वाटर प्रूफ प्योर कॉपर है, ठीक है। और उसके साथ आप लोगों को डाटा वायर पड़ेगी और स्टेपर और पावर वायर, ठीक है। तो इस वीडियो सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं 10 LED का 30 लाइन, ठीक है। तो 10 LED हम लोगों को काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद 30 लाइन हमारी निकल आएंगे, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोग देख रहे कि हमारा फीमेल कनेक्टर है, ठीक है। फीमेल कनेक्टर देख रहे आप लोग कि हमारा फीमेल कनेक्टर है और यहाँ से पावर दिया, तो इसी टाइप से आपको गिनना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग 10 गिनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 10 हो गए, अब इसको नीचे से काट देंगे, हम लोग काट देंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहां से कट गया। कट जाने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहां से कटने के बाद यहां पर हम लोग डोरी लगा देंगे, ठीक है। डोरी क्योंकि हम लोग जेड टाइप कनेक्शन में कर रहे हैं, तो वायर लगा देंगे और वायर यूज कर रहे हैं 0.75 mm। अगर आपको बना हुआ टोरन चाहिए तो आप मार सकते हैं, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था, जो हम लोगों ने जला के बताया, टोटल जुड़े जाने एक डिजाइन और बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, 2024 वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है, और 25 वाली भी डिजाइन आपको डाल देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है कि क्या आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग नीचे से डाटा उठा के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि जेड टाइप कनेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग नीचे से उठा ले जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। हीट स्लू हमारी आप लोग देखो, हीट स्लू भी यूज होगी, ये हमारे डाटा के लिए हीट स्लू है, आप चाहे पावर के लिए भी मिल जाएगी, पावर की भी इसमें लगा के बताएंगे, अभी पूरा टांग के बताएंगे आपको और स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करके बताएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को सीखना है, बिल्कुल कनेक्शन करना ईजी है और आप लोग मेरी वीडियो फॉलो करना, तो आप लोगों को फिक्स एलईडी का मास्टर बना देंगे, ठीक है। और आप लोगों को एस टाइप कनेक्शन सीखना है, जैसे बिल्डिंग बिल्डिंग पर डाल लगाना है तो बिल्डिंग पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्डिंग पे लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका वीडियो एंड में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाइए और बिल्डिंग पे लगाना भी सीख जाएंगे आप, ठीक है। यह लटका नहीं है, आपको बालकनी वगैरह पर लगाना, इसमें हर साइज का बन जाएगा आपको 25 LED का। हम इसमें लाइट ऐसे इसको पिलका देंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको पिलकाओगे नहीं तो आपका ये मतलब अच्छा काम नहीं करे, ठीक है। टेप से बेहतरीन मानते हैं शुरू, ये वाटर प्रूफ है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से, ठीक है। जो हमने काटा था उसका नीचे का हिस्सा है हमारा, ठीक है। तो सो गाइस ये हमारा वो, इसमें हम लोग लगा देंगे टाई, तो टाई लगाने के बाद फिर इसको ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। बिल्कुल आसान है काम करना, आप लोगों को मतलब आप लोग हमारे वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना कि हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है, आप तो आप पर्सन बना लेंगे। अब इसको डोरे को ऊपर ले जाएंगे बारह को, ये एलईडी है, एलईडी को एक डायरेक्शन में करेंगे, आप लोग देख लोगे कि एलईडी है, ठीक है, इसको हम लोग एक डायरेक्शन में कर लेंगे। तो इसको डायरेक्शन में करने के बाद डोरी ऊपर ले जाएंगे और एक फुट की गैपिंग पे हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा एक कस्टमर का जा रहा है, मिस्टर देव आर्या, ठीक है, यह झांसी का जा रहा है, तो आप लोग बता दें उन लोगों ने कस्टमाइज कराया, ठीक है। और आप लोगों ने जैसा कि शुरू में देखा था कि डिजाइन निकल रही, तो उसमें आप अपना नाम भी लगवा सकते हैं, और आपको किसी भी प्रकार का कंट्रोलर चाहिए मिल जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का प्रोग्राम चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बता दें कि आप लोग यूज कर सकते हैं जेड वायर भी, ठीक है, और जो हमारे देव सर है उनका रिक्वायरमेंट आया था PVC वायर में, आप चाहें तो जेड वायर में भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब इसी प्रकार से हम लोग लगा देंगे, फिर लगाने के बाद डोरी भी लगा देंगे, जो वायर है हमारी एक फुट पे छोड़ देंगे, फिर इसका कनेक्शन करके बताएंगे, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि हमने सभी में लगा ली वायर, ठीक है। अब एक वायर में आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, एक वायर हमारी एक फुट पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एक वायर हमारी एक फुट पे, देखो आप लोग देख रहे हैं कि एक फुट हमने छोड़ दिया, ठीक है, ये हमारा बिगनिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लोगे ये हमारा बिगनिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा बिगनिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये हम लोगों ने यहाँ से काटा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो गाइस आप लोग बता दें कि 10 LED का बनाया, 10 LED काट लेना है नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर काटना है, तो ऊपर से ऊपर टांगना, नीचे के हिस्सा से डाटा उठा के ऊपर ले जाए, ठीक है, इतना आप लोग समझ ही गए हो गए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है गाइस, आप इसको टांग के बताएंगे और इसका कनेक्शन करके बताएंगे और पावर देके भी बताएंगे, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि हमने इसे नवार पट्टी में लगाना है, ठीक है, इसको हम लोग नवार पट्टी में टांगेंगे, सबसे पहले हम इसमें निशान लगाएंगे, ठीक है, हमारे जो देख सारे उनका बनना है एक फुट का गैप है, ठीक है, तो हम लोग एक फुट का गैप लेंगे, ठीक है, आगे छोड़ देंगे एक फुट, एक फुट छोड़ने के बाद हम लोग एक फुट में निशान लगाएंगे, ठीक है।
क्योंकि 12 इंच का हम लोग निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसमें हम लोग पट्टा से टांगेंगे प्राइस, ठीक है। तो पहले हम लोग निशान लगा लेते हैं, ठीक है। निशान लगाने के बाद आपको बताते हैं फिर क्या करना है इसमें। सो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि हमने इसमें निशान लगा लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक एक फुट पे इसको लगा देंगे, जैसे हम लोगों ने इसमें बार लगा दी, अब इसमें एक एक फुट पे लगा देंगे, ठीक है। तो जो हम लोगों ने ऊपर था आपकी डोरी निकाली थी ना बाहर, उसको वहां से लगा देंगे। वहां से लगाने के बाद फिर इसके कनेक्शन करके आपको बताएंगे पूरे फुट कैसे कनेक्शन करते हैं। तो गाइस आप लोगों को लगा देना है इसमें दो दो टाई लगाएंगे, ठीक है। फिर इसको आप लोगों को कनेक्शन करके बताएंगे, और कनेक्शन करने के बाद इसे पावर कैसे देते हैं, पावर वावर सब बताएंगे, और हीट स्विच लगा के बताएंगे, ठीक है। इसमें डिजाइन एक नंबर है, टोटल मजा आएगा, ठीक है। आप लोग बताएंगे, आप लोग देख रहे आपको बताएंगे कौन से कंट्रोलर से इसको यूज कर रहे हैं, कौन से कंट्रोलर से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि हमने इसमें पूरे में लगा लिया, ठीक है। ये हमारा पूरा लग गया है, पीसू लगा दिया, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे होंगे हमने पीसू लाइन लगा दी, ये हमारा हाइट में बनना 4 फुट और लाइन बनना 30 फुट, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन होगा कि मतलब कितने एलईडी का, 10 एलईडी का, 30 लाइन यानी 4 फुट हाइट और 30 फुट लेंथ, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग डाटा देंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे मान लो हमारी पहली पिक्सल है, इसका नीचे से डाटा उठा के दूसरे की आगे देना है, इसका जो पहले का रहेगा पहले का एंडिंग पॉइंट का उठा के दूसरे के बिगनिंग पॉइंट में देना है, ठीक है। इस तरह आप लोग ध्यान रखना, हीट स्लू डालना, ठीक है। अगर आप हीट स्लू डालोगे तो फिर आपका वाटर प्रूफिंग नहीं आएगा, हीट स्लू डालो जब ही आपका वाटर प्रूफ आएगा, ठीक है। तो गाइस यह हमारा साइज बनना है, आपको भी बड़ा साइज बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना बड़ा साइज बनवाना है आपको उतना बड़ा साइज आप बनवा सकते हैं मुझसे, ठीक है। या इसमें आप नाम वाम लिखवाना है, नाम लिखवा सकते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी वेडिंग, जैसे किसी के ना शादी ब्याह हुआ वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग लाइट ऐसे पिलका देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को लगा देना है, यह हमारा हो गया। अब इसको हम लोग पिलका भी देंगे लाइट ऐसे, ठीक है। यह हमारा हो गया टन, मतलब पूरा पुख्ता काम हो गया, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये हो गया। इसी तरह से हम पूरा लगा देंगे, और जो हमारा आगे का बिगनिंग पॉइंट है ना, जो हमारी पहली फिक्सल एलईडी है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे हमारी पहली फिक्सल एलईडी है, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर कंट्रोलर लगा के आपको बताएंगे पूरा पावर सप्लाई अप्लाई अटैच होगा। और हाँ, एक इसमें एक गलती नहीं करना आप लोगों को, टोन बनाते समय 12 इंच टोन बनाते समय सामने से आपको लेफ्ट कंट्रोलर रखना है, ठीक है। यहाँ से मतलब लेफ्ट तरफ से डाटा ही देना है, तभी आपका नाम सही निकलेगा, नहीं तो नाम उल्टा निकलेगा, ठीक है। कोई भी कंट्रोल लगा लेना, हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग पूरी वायर लगा लेंगे, फिर पावर देख के आपको दिखाएंगे। सो गाइस आप लोग देख रहे होंगे हम लोग पावर पे आ गए, पावर कैसा देना है इसमें, तो पावर कुछ नहीं देना है, जो हमारी ब्लू कलर की वो प्लस है, जो हमारी येलो कलर की वो माइनस, ठीक है। इसमें हम लोगों ने हीट स्लू डाल लिया, आप लोग देख सकते हैं पहले से ही हीट स्लू डाल लिया, ठीक है। क्योंकि आप लोग बनाओगे तो हीट स्लू लगाना और टेप मेप का काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पुख्ता काम हो जाएगा। तो गाइस अब इसमें हम पावर देंगे माइनस प्लस, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे फिक्स एलईडी में, तो माइनस प्लस लगा देंगे पूरे में, फिर आप लोगों को इसका आपको कंट्रोलर कौन यूज कर रहा है वो भी पता चल जाएगा, और मतलब जो जो यूज कर रहे हैं सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसमें डिजाइन एक नंबर है, दिवाली वाली फीलिंग आएगी, और आपकी शादी वगैरह कुछ भी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बर्थडे वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सो गाइस देर की बात की, जाइए और व्हाट्सएप पर कॉल नंबर दिख रहा है वहाँ पर कॉल बात कर लीजिए, तुरंत रिप्लाई 1 मिनट में वहाँ आपका काम भी हो जाएगा गाइस। तो आपको कुछ नहीं करना है, और आपको बता रहे हैं आपका कोई भी साइज हो, ठीक है, किसी भी साइज में आप लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसी तरह करना है। सो गाइस आप लोग देख रहे होंगे हमारा माइनस कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस हमारा रेड कलर का है, और हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं क्या बोलते हैं आप लोग बता दें कि नीला कलर यूज कर रहा है, ब्लू कलर यूज कर रहा है प्लस के लिए, ठीक है। तो आपको ये प्लस कंप्लीट कर लेना, और इस रूप मतलब लाइटर द्वारा या माचिस के द्वारा दिए वगैरह जो आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, फिक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। वाईफाई कंट्रोलर भी अवेलेबल है, चीप रेट में वाईफाई कंट्रोलर बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। एक नंबर डिजाइन मिलेगी आपको, डिजाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। सो गाइस दिल के साथ की इसमें बनने लगा हो वहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मंगाना है तो आप डायरेक्ट कोरियर के द्वारा आपको भेजेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग यही कन्फ्यूज होते हैं कहाँ से आएगा कैसे आएगा, कोरियर के द्वारा आता है, ठीक है। ऑल इंडिया कहीं भी कोई भी कंट्री से आप मंगा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आप लोग बता दें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं लाइक कीजिए। अब इसमें पूरा पावर डाल के हम बताएंगे आपको, पावर डल जाएगा हमारा, फिर उसके बाद कनेक्शन करेंगे कंट्रोलर कैसा और फिर डिजाइन कैसी वो भी दिखाएंगे, ठीक है। बने रहिए आप लोग। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि हमारा टोन बन के कंप्लीट हो गया, आप लोग देखिए नया नया माल है, बिल्कुल एक नंबर माल है, मजा आएगा, टोटल न्यू डिजाइन, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं T110 कंट्रोलर, यह हमारा झांसी का जा रहा है, तो आप लोग बता दें कि T110 कंट्रोलर यूज कर रहा है, इसके कनेक्शन बिल्कुल आसान है, जो हमारे पावर सप्लाई के माइनस पर डाल दिया इसमें, और पावर सप्लाई से हम लोगों ने यहाँ पर एसी दे दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा येलो कलर का वो हमारा माइनस है, जो हमारा ब्लू कलर का वो पहला से, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा पूरा सिस्टम है। तो आप लोग बता दें कि कंट्रोलर T110 कंट्रोलर पावर सप्लाई कनेक्शन पहले ही बता चुके, तो इसी तरह ज़्यादा आपको समझ नहीं लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्टर लगाया, ठीक है। दो फीचर मांगे कस्टमर ने,
क्योंकि अगर आपको आईसी कंट्रोलर चलाना है तो आईसी कंट्रोलर से इस पर आप डाल सकते हैं, वाईफाई कंट्रोलर भी इस पर चल जाते। तो सो गाइस, देर किस बात की, स्क्रीन पर नंबर दिखा होगा, वहाँ पर कॉल नाउ और आप ऑर्डर लगा सकते हैं कोई भी साइज का। दिवाली स्पेशल है, दिवाली की ऑफर भी आप लोग ऑफर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिखा होगा, वहाँ पर कॉल कीजिए और आप मुझे कॉल कीजिए, आप डिजाइन एंजॉय कीजिए।